फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा मशीन से है। वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे एक नोटिफिकेशन बेल होगा, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि मशीन से और स्टिचिंग से जुड़ी वीडियो जब भी लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आपके पास कोई भी मशीन है आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको आज की प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी या आपकी मशीन में होने वाली जो भी प्रॉब्लम है वो आपको समझ में नहीं आएगी। हमारा टॉपिक है, मशीन में हमारा सुई बार बार क्यों टूटता है, धागा बार बार क्यों टूटता है, सिलाई हमारी खराब क्यों आती है। इन सारी प्रॉब्लमों का एक ही सोल्यूशन है, सुई। ठीक है, अगर आप मशीन में सुई सही ढंग से नहीं लगाते हो तो क्या होगा ना, ये सारी प्रॉब्लम आपकी मशीन में आएगी और आप बेफिजूल के परेशान होंगे। तो क्यों ना इस प्रॉब्लम को हम आज सॉल्व करें, एक वीडियो में इन सारी प्रॉब्लमों को सलूशन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, इन तीनों मशीनों की जो सुई है ये 16 नंबर की है। कोई भी मशीन हो उसमें 16 नंबर की सुई लगती है, वो नॉर्मल सभी कपड़े पे चलती है। ठीक है, तो सुई के लिए तो मैंने नंबरिंग आपको बता दिया, सुई लगाने का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास तीन सुई है। ठीक है, आप देखिए, दो सुई आपको सेम दिखती होगी, एक सुई आपको अलग दिख रहा है, क्योंकि ये इन दोनों सुइयों का जो हेड है आप देख रहे हैं, इनका हेड गोल है और एक का हेड गोल नहीं है, एक तरफ चपटा है और दूसरे साइड ये गोल है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन सुई किसकी है। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो सुई है ये हमारी बड़ी मशीन की सुई है, सिंगर की सुई है। ठीक है, इसे लगाने का प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप मशीन में सही ढंग से सुई को लगाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम आपके मशीन में कभी नहीं होगी। जैसे देखिए, एक साइड फ्लैट वाला भाग है और दूसरे साइड ये खांचा वाला भाग है। ठीक है, फ्लैट वाले भाग को हम राइट साइड लगाएंगे, खांचे वाले भाग को हम लेफ्ट साइड लगाएंगे। ठीक है, अगर इस तरह से आप अपनी मशीन में सुई को फिक्स करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लमें आपकी मशीन में नहीं होंगी। तो चलिए इसे हम फिक्स कर लेते हैं। ज़्यादातर मुझे कमेंट इसी से आते हैं कि सुई हमारा बार बार टूट रहा है, धागा हमारा बार बार टूट रहा है। तो ये जो वीडियो है ना, आप इसे ध्यान से देखो, आपकी मशीन में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कोई भी मशीन हो, आपको सुई सही ढंग से फिक्स करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सुई फिक्स हो चुकी है। अब हम हाफ लटर मशीन में सुई लगा के दिखाएंगे। देखिए, एक साइड इसका फ्लैट वाला है, दूसरे साइड गोल है। ठीक है, फ्लैट वाले भाग को इस निडल होल्डर में जाके एक खांची आती है, उसमें फ्लैट वाला भाग इस खांचे में फिक्स हो जाएगा और गोल वाला भाग ये बाहर की साइड रहेगा। ठीक है, जैसे गोल वाला भाग मैं आपको बता देती हूँ, गोल वाला भाग हमारे लेफ्ट साइड रहेगा और खांचे वाला भाग राइट साइड रहेगा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे, अगर आपके खांचे में जाके फिक्स होगा तो ये खांचा जो आप देख रहे हैं ये आपके राइट साइड होगा, और अगर गोल वाला भाग आपके बाहर होगा तो ये फ्लैट वाला भाग आपके लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम फिक्स कर लेते हैं। इसे भी हमने फिक्स कर दिया और लास्ट हमारी मशीन की सुई बची हुई, पीको मशीन की सुई बची हुई है। ठीक है, तो चलिए इसे हम फिक्स कर लेते हैं। इसे भी हम किस तरह से फिक्स करेंगे वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। देखिए, इसमें भी एक फ्लैट वाला भाग है और दूसरे साइड खांचा वाला भाग है, तो फ्लैट वाला भाग हमारे फ्रंट में रहेगा और खांचा वाला भाग हमारे बैक में रहेगा। इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता है, इसमें फ्रंट और बैक होता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम फिक्स कर लेते हैं। आपको दिखती नहीं होगी कैमरे में, मैं सीख लेके आती हूँ। अगर कोई भी मशीन है, अगर आप सुई उसमें सही ढंग से फिक्स करने जानते हो ना, तो मशीन में ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगी। और पीको मशीन में भी हमने सुई को फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इन तीनों मशीनों में हमने आज आपको सुई सही ढंग से फिक्स करने बताया है। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं मशीन और स्टिचिंग की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।